नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि 1986 में दुबई के शारजाह के मैदान में पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियादाद ने भारतीय गेंदबाज चेतन शर्मा की लास्ट बॉल पर एक जोरदार छक्का लगाया था और आज भी वह लास्ट बॉल पर लगाया गया छक्का भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के दर्शकों को याद है। उस आखिरी बॉल पर लगाए गए छक्के के कारण जावेद मियादाद पाकिस्तान में हीरो बन गए थे और वहीं चेतन शर्मा भारत में विलन बन गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच शारजाह में खेले गए उस टूर्नामेंट का नाम था ऑस्ट्रेल एशिया कप। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं उस टूर्नामेंट के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट का मुकाबला होता है तो वह मुकाबला क्रिकेट का नहीं युद्ध का मैदान बन जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों पर काफी दबाव होता है जीतने का। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाया है, लेकिन 37 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शारजाह के मैदान में भारतीय टीम को एक गहरा घाव दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट की बात होती है तो जावेद मियादाद के उस छक्के की याद जरूर आती है। दोस्तों आपको बता दें कि 18 अप्रैल 1986 को शारजाह में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑस्ट्रेल एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। दोस्तों आपको बताते हैं कि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए थे। सुनील गावस्कर ने 92 रन बनाए, श्रीकांत ने 75 रन बनाए और दिलीप वेगेसकर ने 50 रन बनाए। पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने 3 विकेट लिए थे और इमरान खान ने 2 विकेट लिए थे। इसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी करने की बारी आती है। भारतीय टीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और 241 रन बनाने तक पाकिस्तान के 9 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन जावेद मियादाद अभी भी क्रीज पर थे और काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच का आखिरी ओवर ऐतिहासिक साबित हुआ जो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान 49.5 ओवर में 242 रन बना चुका था। पाकिस्तान को जीत के लिए मैच की आखिरी गेंद पर 4 रन की जरूरत थी। भारत की ओर से आखिरी ओवर चेतन शर्मा कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। चेतन शर्मा ने याकर लेंथ गेंद डालने की कोशिश की पर वह फुल टॉस चली गई और जावेद मियादाद मौका नहीं चुके। उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और पाकिस्तान मैच जीत गया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत को पहली बार हरा दिया। भारतीय टीम और भारतीय दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह मैच हार गए। दोस्तों आपको बताते हैं कि जावेद मियादाद द्वारा लगाए गए उस छक्के के कारण उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्हें हबीब बैंक में प्रमोशन मिला। उस वक्त उन्हें एक हीरे का ब्रेसलेट भी मिला था जिसकी कीमत $80,000 थी। इन सब के अलावा जावेद मियादाद को गिफ्ट में एक मर्सिडीज कार भी दी गई। लेकिन दूसरी तरफ भारत में चेतन शर्मा एक विलन बन चुके थे और सभी लोग इस मैच को हारने का कारण चेतन शर्मा को मान रहे थे, लेकिन चेतन शर्मा ने अगले ही साल एक मैच में हैट्रिक लगाकर उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।